नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी, आज हम नया क्या सीखेंगे? आज मैं आपको गुरु वंदना का एक और श्लोक सिखाऊंगी। गुरु वंदना? अच्छा, गुरु का सम्मान करना और उनकी आज्ञा मानने की महिमा तो आपने हमें पहले भी बताई थी। हाँ, क्या आपको सब कुछ याद है? हाँ दीदी, हमें तो आपकी कही हर बात याद रहती है। गुरु का स्थान तो भगवान से भी पहले आता है। उनकी कही हर बात मंत्र के समान मानने से ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु तो धरती पर भगवान का ही साक्षात रूप होते हैं। मैं तो रोज सवेरे अपने गुरु को मन ही मन नमन करके ही दिन के बाकी कार्य करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आओ आज एक और गुरु पूजन मंत्र सीख लो। ये मंत्र है ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ इस मंत्र का अर्थ जाने। अखंड मंडलाकारम, अखंड यानी जिसके हिस्से न किए जा सके, अनंत इनफाइनाइट, मंडलाकारम यानी ज्योतिपुंज का आकार लिए, व्यापतम येन चराचरह, चर अचर यानी जीवित मृत या कोई भी वस्तु, में व्याप्त यानी बसे हुए। यहाँ हम उस अनंत ईश्वरीय ज्योति पुंज की बात कर रहे हैं जो संसार के हर एक प्राणी में बसा हुआ है। तत्पदम दर्शितम येन, उस दिव्य प्रकाश के दर्शन करने के लिए गुरु पदम यानी गुरु की शरण ही स्थान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को हम नमन यानी प्रणाम करते हैं। एक बार इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराना। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम, व्यापतम येन चराचरम, व्यापतम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितं येन, तत्पदम दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे, क्या आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? हाँ दीदी। तो बताओ, इस श्लोक द्वारा हम अपने ऐसे गुरु को नमन कर रहे हैं जिनकी शरण में जाकर हमें ईश्वर के अनंत दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, जो संसार में हर वस्तु चर अचर जीव जंतु हर किसी में व्याप्त है। बिल्कुल ठीक, गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें जीवन का ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि व मन की शक्ति इतनी प्रबल हो पाती है कि हम अपने आसपास के लोगों जीव जंतुओं में भी ईश्वर के उस प्रकाश का अंश देख पाते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ही सर्वोच्च सम्माननीय व पूजनीय माना गया है। जैसा कि आपने पहले कहा था, हम भारतीय गुरु को ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं,
क्योंकि वे ही धरती पर भगवान के उस दिव्य प्रकाश जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उसका रूप होते हैं। इसी बात को कहता है आज का अगला मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ अब मेरे पीछे दोहराना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् ब्रह्मा गुरु अच्छे। आज आपने दो नए गुरु वंदना मंत्र सीखे हैं, इन्हें याद रखना। आज के इस मंत्र के बारे में बस इतना ही। अगले ऑडियो में कुछ नई जानकारी लिए फिर मिलूंगी, जिसके लिए फूलकुमारी रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास बने बेल आइकन को भी दबाएं। मेरे ऑडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अपना फीडबैक दें और पेरेंट्स अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए सुनते और सुनाते रहिए फूलकुमारी रेडियो। चलती हूँ, नमस्कार।